के पाठक जी कर रहे हैं, यह सारा के सारा जो है एक तंग और तबाह करने की बात है। शिक्षा में अगर इनको परिवर्तन करना होता तो शिक्षा को बैठा करके एक अच्छा पॉलिसी ला करके और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ला। मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं पाठक जी, यह ड्रामाबाज हैं, यह सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं और इससे शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को तबाह करने के लिए यह फरमान, तुगलकी फरमान जारी करते हैं। तो क्या जो के पाठक का जो भी फरमान आजकल जारी हो रहा है वो नीतीश कुमार के कहने पर? एकदम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के कहने पर हो रहा है। ये सारे के सारे लोग सनातन धर्म को विरोध करके एक खास वर्ग को तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं। अभी चुनाव हो जाए तो इस चाचा भतीजा की राज को समाप्त कर देगा और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार। भैया हमारी बहनें जो है रोड पर भटक रही है, लाठी खा रही है, लाठी चलवा रहे हैं, राज्य सरकार कहाँ नौकरी दे रहे हैं? पहले जो है उसको तो नौकरी कर दे, उसको तो एक अन्य जगह जो अन्य राज्यों में जो मिलता है पैसा, वेतन मिलता है, वह तो यहाँ लागू करे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सीजल आपके साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं कुठन्नी के विधायक केदार गुप्ता। तो पहले केदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक अक्सर आजकल विवाद में काफ़ी बने रहते हैं। वो कोई भी फरमान जारी करते हैं और फिर अगले ही दिन या शाम को उसे वापस ले लेते हैं, जिसके कारण काफ़ी उन पर विरोध हो रहा है। शिक्षकों में भी काफ़ी आक्रोश है क्योंकि हर रोज़ एक ऐसा नया नियम ले आते हैं जिनसे शिक्षकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इस पर भाजपा भी उनका विरोध करती है हर पॉइंट पर। तो ऐसा क्यों लगता है कि शिक्षकों के समर्थन में भाजपा क्यों नहीं खड़े होकर कोई आंदोलन या कुछ वैसा करती? देखिए, अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं पाठक जी, यह ड्रामाबाज हैं, यह सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं और इससे शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को तबाह करने के लिए यह फरमान, तुगलकी फरमान जारी करते हैं। और यह जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जो सनातन धर्म के विरोध कराकर यह चाहते हैं कि एक खास वर्ग को तुष्टिकरण की राजनीति करना, और जो भी अफसर होते हैं, जो भी पदाधिकारी होते हैं, सरकार जो चाहती है उसी की तरह वो बोलते हैं, एक तरफ ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ उसको वापस लेते हैं। आपने कहा कि सरकार जो चाहती है वही वहाँ के अधिकारी बोलते हैं, तो क्या जो के पाठक का जो भी फरमान आजकल जारी हो रहा है वो नीतीश कुमार के कहने पर? एकदम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के कहने पर हो रहा है। ये सारे के सारे लोग सनातन धर्म को विरोध करके एक खास वर्ग को तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं। इसमें वह सफल होने वाले नहीं है, बिहार की जनता सब जान गई है। अभी चुनाव हो जाए तो इस चाचा भतीजा की राज को समाप्त कर देगा और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आपने कहा कि जात पात की राजनीति करके ये फरमान जारी करते हैं, तो लेकिन ये तो मेनली शिक्षकों को टारगेट करके हो रहा है जो भी चीज़ें हो रही हैं। कि अब पहले था कि टाइमिंग को लेकर इशू था, फिर 5 बजे के बाद 5 बजे VC वीडियो कॉल करके एक जो कॉन्फ्रेंस कॉल करना है उस पर टीचर्स को हर रोज़ उपस्थिति होना है, जिससे एक मेंटल प्रेशर बन रहा है शिक्षकों पर, उस पर क्या? देखिए, यह सिर्फ तबाह करने की बात हो रही है। मान लीजिए कि हमारे घर की महिलाएँ, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएँ हैं, अब महिला हैं और 5 बजे तक उनको फरमान जारी किया गया। मान लीजिए 10 किलोमीटर पर कोई विद्यालय, वहाँ से वह शाम में चलेंगी, उनके साथ कोई घटना घट जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह तो सरकार जो है तुगलकी फरमान जारी करवा रही है। और ख़ास करके यह मैंने कहा ना कि सनातन धर्म के आड़ में इसको समाप्त करने के दिशा में इन लोगों का यह कार्यक्रम चल रहा है। कभी जितिया के नाम पर जितिया की छुट्टी ख़त्म कर देना, कभी रक्षाबंधन का छुट्टी ख़त्म कर देना, यह क्या कहता है? यह सनातन धर्म का विरोध करके एक खास वर्ग को तुष्टिकरण करने का राजनीति हो रहा है। तो अगर आगे क्या भाजपा शिक्षकों के समर्थन में कोई आंदोलन करेगी के पाठक के विरुद्ध? मैं तो बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी राज्य की दर्जा, मेरा नहीं कहना था,
या राजद वाले ने ही कहा था कि मेरी सरकार होगी तो मैं शिक्षक को राज्य का दर्जा दूंगा, और राज्य को दर्जा देने के लिए हम लोगों ने गांधी मैदान से विधानसभा मार्च किया था, जिस मार्च में हम लोगों पर लाठी बरसाने का काम किया गया, जानलेवा हमला किया गया। हम लोग की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर हम लोग शिक्षक के लिए अच्छा काम करेंगे। अच्छा, रोजगार की बात जो तेजस्वी कहते हैं, 10 लाख की बात कही थी जो अभी फिलहाल 1.25 लाख लोगों के लगभग शिक्षकों में हुए, तो उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया उसे पूर्ण किया, तो इस पर आप कहते हैं? अरे कहाँ पूरा, वो तो बोले थे कि फर्स्ट कैबिनेट में मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, देना हो। एक तरफ आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो है लगभग 2 महीना से ऊपर से आंदोलन कर रही है, भैया हमारी बहनें जो है रोड पर भटक रही है, लाठी खा रही है, लाठी चलवा रहे हैं, राज्य सरकार कहाँ नौकरी दे रहे हैं, पहले जो है उसको तो नौकरी कर दे, उसको तो एक अन्य जगह जो अन्य राज्यों में जो मिलता है पैसा वेतन मिलता है वह तो यहाँ लागू करे, बाद में वो कहेंगे कि 10 लाख और 20 लाख हम नौकरी देंगे। पहले जो है हमारी आंगनबाड़ी बहना उसको तो सही अथी पैसा दें। अच्छा, वो जो शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवा रहे हैं जैसे जनरली जनगणना या और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रैली वगैरह, जैसे शराबबंदी, हाल ही में शराबबंदी के लिए संडे के दिन शिक्षकों को बुला के रैली वैली निकाली गई जिसके कारण उनकी छुट्टी भी ख़त्म हुई, और एक कह सकते काम का दबाव बढ़ाना ये के पाठक कर रहे हैं, उस पर क्या? अरे साहब, जितना जो है ये के पाठक जी कर रहे हैं यह सारा के सारा जो है एक तंग और तबाह करने की बात है। शिक्षा में अगर इनको परिवर्तन करना होता तो शिक्षक को बैठा करके एक अच्छा पॉलिसी ला करके और शिक्षा में व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाते। अन्य राज्यों में है, अन्य राज्य में अच्छा व्यवस्था है, यहाँ भी अगर करना चाहते शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया हो, या सब कोई चाहता है कि शिक्षा में अच्छा, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की अच्छा व्यवस्था हो, या कौन नहीं चाहता है, लेकिन इस तरह के हड़काना, इस तरह का तुगलकी फरमान जारी करके और तंग करना शिक्षक को, यह कहीं से उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग बढ़िया से काम करेंगे शिक्षा व्यवस्था में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि केदार गुप्ता जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि के पाठक तुगलक की फरमान जारी करते हैं, शिक्षकों को मेंटल प्रेशर में रखते हैं, और साथ ही साथ अगर उन्हें शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है तो शिक्षकों के साथ बैठ के कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर फरमान जारी करना चाहिए जिसमें शिक्षक भी संतुष्ट हो और शिक्षा व्यवस्था भी सही हो। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।